खुशामदीद आपका एक बार फिर से रिव्यू चैनल पे। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज हमारे यहाँ बन रहा बेल का शरबत इफ्तार में। इफ्तार में बेल का शरबत हो इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ का बेल। ये बेल बहुत अच्छा था रियली। अंदर से बहुत सारे बेल ऐसे होते हैं कि जिनका पल्प आप निकालते रहिए बहुत टफ हो जाता है निकालना, इसका पल्प इतना ईजिली निकल गया, इतना लाइट वेट था इसका पल्प। एक अच्छे बेल की यही पहचान होती है कि उसका पल्प बहुत ईजिली निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए चम्मच के मदद से इसका सारा पल्प एक बार में ही निकल गया और अब इस पल्प पे ही ट्रिक है। बहुत सारे लोग पल्प में पानी मिला देते हैं। आपको क्या करना, अपने हैंड को बहुत अच्छे से वॉश करना है, अपना देख लेना नेल्स वेल्स कटा हुआ रहे भाई, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है और इसे अच्छे से अपने हाथों की मदद से मैश कर लेना है। जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगाकर मैश कर दें इसे पूरा। लोकल वर्ड में कहते हैं ना भरता बना देना, वो भरता आपको बना देना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। अब बस अपने हाथों को धो लें और अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। शुगर कम पीते हैं मीठा तो कम डालिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दे रही, ज़्यादा पानी नहीं थोड़ा पानी। और यहाँ पर मैं एक फुल लेमन स्क्वीज़ कर ले रही हूँ, यहाँ पर ढाई ग्लास जितना शरबत बनने वाला है। और फुल लेमन यहाँ पे स्क्वीज़ कर लेना है, बीज हटाने की अभी सोचिए मत क्योंकि इसे लास्ट में फिर से छन्ने से छान ही लेना है। तो यहाँ पर सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो जितना ग्लास आपको बनाना है शरबत जितना रखना है, मुझे तो ढाई ग्लास बनाना है तो मैं ढाई ग्लास जितना इसकी क्वान्टिटी कर दूँगी पानी ऐड करके। मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगा कर मैं फ्रिज में इसे लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और 2 घंटा हो चुका है, आप इसे तुरंत भी पी सकते हैं पर मैंने रखा था क्योंकि मुझे इफ्तार में इसे पीना था। तो यहाँ पे मैंने छन्ना ले लिया है और इसे अच्छे से मैं छान लूँगी और इस तरह से चलाते हुए ताकि इसका पल्प भी शरबत में मिक्स होता रहे। और इस तरह से चलाते चलाते इसका पल्प जो है वो सारा शरबत में आ जाएगा और बस आपको ये शरबत ग्लास में ढाल लेना है और पी लेना है। इसका शरबत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, शुगर कम रहे तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये इनडाइजेशन, एसिडिटी, आप इसके बीज में एक ऐसी सिफत होती है, कहा जाता है इसका बीज खा लो ना तो आपके पेट में जितने भी कीड़े होते हैं वो मतलब हट जाते हैं, और पेट के लिए तो ये अच्छा होता ही है। और गर्मी में बेल का शरबत ज़रूर पीजिए, और क्योंकि सीजनल है गर्मी में ही मिलता है तो ज़रूर पीजिए। इफ्तार में पीजिए, रोज़ेदारों के लिए कह रही हूँ ज़रूर पीजिए इसे। और यहाँ पर मेरा ये टेस्टी सा यमी सा बेल का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, बनाने का तरीका अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आ